रणवीर सिंह को, विजय वर्मा को, सेक्रेट गेम की पूरी टीम को। जैसे सेक्रेट गेम्स इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड है। अटरिया पे आइए जी। अच्छा, अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछली बार मेरा मिस हो गया था अवार्ड फंक्शन, मैं ट्रैवल कर रहा था अपनी एक फिल्म के लिए, तो अभी मौका मिला है, मैं यहाँ पे हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बुलाया गया है। और जिस तरह के अवार्ड्स आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली जो OTT प्लेटफॉर्म पे सीरीज़ आ रही हैं या फिल्म्स रिलीज़ हो रही हैं, उन एक्टर्स के लिए भी जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और अब कंटेंट वाइज वो आ रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का, अच्छी परफॉर्मेंसेज देखने को मिल रही हैं, तो अभी बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन भी है और अच्छा भी लग रहा है देख के कि काम को सराहना मिल रही है, पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, सो एक अच्छा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज आई बीन वर्किंग विद रणवीर अभी फिल्म के लिए, बट बिकॉज वो इंडिया के लिए प्राइड का मोमेंट है। जैसे सेक्रेट गेम्स इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड है, तो हमारे लिए बहुत वैसा प्राइड का मोमेंट है कि दो बड़ी चीज़ें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गई हैं और कम्पीट करने वाली हैं। आई विश ऑल द लक जोया अख्तर जी को, रणवीर सिंह को, विजय वर्मा को, सेक्रेट गेम की पूरी टीम को, एंड आई थिंक अपना टाइम आ गया है शायद, तो होना चाहिए कुछ। सफ़र बहुत बढ़िया है यार, मेरे चेहरे की मुस्कान से आपको पता लग जाएगा, बट यस ये नहीं कहूँगा बहुत आसान है, बिकॉज आपके काम को पहचान मिलना और उसके बाद सस्टेन कर पाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अभी वही चल रहा है जोन, तो 83 मिल गई है फॉर्चुनेटली, बट बहुत मेहनत लग रही है बिकॉज पूरा एक साल होने वाला है, नवंबर में वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग और प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो अभी शूटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, स्टिल वी आर शूटिंग फॉर द मूवी, लेकिन एक बात बता सकता हूँ, बहुत ही अच्छी फिल्म है और बहुत ही प्यारी खूबसूरत, मतलब एक ऐसी स्पोर्ट्स पे फिल्म आने वाली है 2020 में कि आप सब यू लव इट डेफिनेटली। हाँ, वो रणवीर सिंह को मिल रहे हैं उनसे, तो बाकी हम तो उनके साथ रहते हैं तो अच्छा लगता ही है, बहुत ही मतलब एक बहुत उनके बारे में बात है ना, एनर्जेटिक तो है ही है लेकिन साथ में सपोर्टिव है, सेट पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा चार्ज अप हो जाता है माहौल, और खूब हमारी नोकझोंक चलती रहती है आपस में, ग्राउंड पे और कुछ करने को नहीं होता, खड़े हैं अपना आराम से, तो फिर उधर से बातें चल रही हैं, इधर से जवाब दिया जा रहा है, तो वो बहुत हो रहा है फील्ड पे। ऑनेस्टली अभी ये है 83 पे फोकस कर रहा हूँ मैं, इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही मैं कोई और, बिकॉज अभी एक तरह का काम आ रहा है वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा काम आए ताकि मैं और वर्सेटिलिटी दिखा सकूँ एज एन एक्टर। मेकर्स आ गए होंगे या फिर अंदर होंगे, उनसे पूछिए ये सवाल, तो मेरा कंप्लीट हो गया भाई, मैं दोनों सीजन मेरे थे, मैं कंप्लीट हो चुका हूँ, और आई डोंट नो, आई मीन मुझे पता नहीं है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मुझे पहचान लोगे ना, सो द मोस्ट टैलेंटेड गाय, द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर, मेरी भी चाहता मैं फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला सर के साथ काम करने का सोनचिरिया में, Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.